क्या कर दिया मेरे नए एक्सपेरिमेंट के सारे केमिकल तूने बर्बाद कर दिए। ये क्या हो रहा है? ओह, ये तो ब्लॉब बन रहा है। अब इस ब्लॉब से हमें वीर पे अटैक करके उसे फिनिश करना है, यही ना बॉस? यस। अब आज की तारीख में मैं फेल नहीं होऊंगा। इस ब्लॉक का अटैक वीर पे करके उसे आजाद कर दो। वीर, इस बार इस ब्लॉक के अटैक से तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल खत्म। अरे मर गया, ये तो निशाना चूक गया, गड़बड़ हो गई। बॉस बॉस, गलती हो गई। मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं, इमली को मैं कंट्रोल कर लूंगा। तुम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। ये इमली को अचानक क्या हो गया है? इमली, इमली, क्या कर रही हो? एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो, और तुमने अपने एक्सरे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं चुलबुल को भी काबू में कर लिया है और एक वैन में बंद करके कहीं ले जा रहा है। अब जल्दी कुछ कीजिए। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। आपका काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे अरे इमली, चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है, मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो और इमली और चुलबुल का हाथ थाम के वो एनर्जीज उनमें शामिल कर दो, जिससे वो ब्लॉब बाहर आ जाएगा और तुम उस ब्लॉब को कंट्रोल कर सकते हो। ओके दादाजी।
दादाजी आप यहाँ? हाँ, तुम में जो ट्रैकिंग डिवाइस है उसकी मदद से मुझे यहाँ का पता मिला। वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्लेम की रेस छोड़कर उसके टुकड़े करके राख बनाना होगा, तभी उसकी तबाही से हम बच सकते हैं। ठीक है। अब वीर, तुम्हारा खेल खत्म। जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर रेस छोड़कर उसे टुकड़े करके राख बनाना होगा। दादाजी, वीर तो जमीन में चला गया। बॉस, आपका काम हो गया। वीर इज फिनिश्ड। वीर, yes. तुमने तो कमाल कर दिया। ब्लॉब फिनिश हो गया। वीर, एक बार फिर हम जीत गए। दादाजी, ये जीत इंसानियत की है। ये देखो मेरी इनविजिबल पावर स्टोर की चिप। इसमें मेरा वो पावर बंद है जिसकी मदद से मैं किसी को भी इनविजिबल कर सकता हूँ। अब वीर नहीं बच सकता। ये तो बंटी को लेके गायब हो गया। जरूर मैड मैक्स की ये चाल होगी। दादाजी देखिए, फिर से वो बॉल आसमान में आ गया है। बंटी खतरे में है। दादाजी, मुझे ही कुछ करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। और वो नजर क्यों नहीं आ रही? एक्सरे विजन ऑन। अरे अजीब है, एक्सरे विजन में भी कुछ नहीं दिख रहा। वीर, तुम्हारा एक्सरे विजन भी मेरे इनविजिबल पावर को देख नहीं सकता। दादाजी, वीर तो आसमान से गायब हो गया, पर वो गया कहाँ? ये क्या? ये तो कोई एयरक्राफ्ट है। निकालो। सूट भी ब्रेक हो गया। आखिर ये सब है क्या? वीर, अब तुम पूरी तरह से फंस गए हो। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारी चाल इस बार भी कामयाब नहीं होगी मैड मैक्स। बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो वीर। मेरी इलेक्ट्रॉनिक जहरीली गैस बड़े से बड़े रोबोट को पिघला देती है। तुम भी पिघल जाओगे। बॉस, वीर ने तो एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर दिया। वीर ने प्लेन ब्लास्ट किया, पर साथ में तो वो भी डिसमेंटल हो जाएगा। वीर, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? दादाजी, मैड मैक्स ने इनविजिबल एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है,
उसी में मुझे अब्सॉर्ब कर लिया था और मेरे पावर्स भी छीन लिए थे। कोई बात नहीं वीर, इस बार तुम इमरजेंसी सूट का इस्तेमाल करोगे। ये प्रेम सहाय हर बार वीर को हेल्प करके मेरा प्लान फेल कर देता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीर, वीर, अपने थंडरिंग फंक्शन का इस्तेमाल करो। ओके। वीर कैसे मुझे देख सकता है? ये बारिश मेरा प्लान चौपट कर रही है। मोना, बॉस की तो पिटाई शुरू हो गई। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मेरी पावर चेन! वीर, मैं फिर आऊंगा। मैंने अभी हार नहीं मानी है। ये अचानक बिना बादल के ही आसमान में बिजली क्यों चमकने लगी? आखिर इसकी वजह क्या है? चलो दादाजी के पास चलकर पूछते हैं। ठीक है वीर। लगता है कि कोई बिजली के साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहा है, वरना सूखे आसमान में बिजली कभी नहीं चमकती और ना ही ऐसे गिरती है। वेरी वेरी ग्लैड। अब मेरे पास आसमानी बिजली का पावर आ गया है। अब वीर को खत्म करने का टाइम आ गया है। चोट तो नहीं लगी ना? आपको रोड क्रॉस करना है? आइए मैं करा देता हूँ। बेटा, मेरी मदद ही करना चाहते हो ना, तो मुझे घर तक पहुँचा दो। यहाँ पास ही में मेरा घर है। अब तुम्हें देर हो रही होगी, तो तुम वापस लौट जाओ। लेकिन जाने से पहले मुझे फ्रिज से निकाल कर एक बोतल पानी दे के जाना। रोबो बॉय सूट ऑन। शाबाश टिम्बकटू, आज तुमने कोई गलती नहीं की। अब वीर हमारे कब्जे में है। अब ये नाचेगा मेरे इशारों पर। जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। वीर तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। ये लो ये जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। इमली, वीर के चार्जिंग स्लॉट में एक रेड चिप लगी है, उसे निकालो। ओके। ये नहीं हो सकता, आखिर मेरा कॉन्टैक्ट वीर से कैसे टूट गया? दादाजी। वेलकम बैक वीर। इमली, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़ा काम किया है। आखिर हुआ क्या है ये तो बताइए। वीर वीर, तुमने डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दिया ना? हाँ कर दिया। वेरी गुड। मुझे टिम्बक्टू की तरह उल्लू समझते हो क्या? मैं उसी वक्त समझ गया था जब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट कट गया था कि तुम्हारे अंदर से चिप निकल चुकी है। तो अब इस भाषा में समझ लो, ये लो, ये लो। समझने की बारी अब तुम्हारी है वीर, वो भी आखिरी बार। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी ले चलो बॉस। ये कितने सुंदर लगते हैं नवी। हाँ ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ सुंदर तो है, लेकिन सबसे सुंदर ये घोड़ा है। ये यूनिकॉर्न है, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये मैजिकल हॉर्स होता है और इसमें बहुत शक्तियाँ होती है। वीर, टिफिन तैयार है। आज अगर ये लोग सच में होते तो कितना अच्छा होता। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। चिंटू जादू मत करो, मैं तो यूं ही कह रही थी। इमली तुम्हारे लिए भी टिफिन बनाया है। नाश्ता, चलो इमली। थैंक यू दादाजी। चलो भी, स्कूल के लिए देर हो रही है। कितनी अच्छी महक आ रही है, चलो चल के खाते हैं। तो बच्चों अब तुम्हें बताना है कि 5,860 प्लस 2,322 कितना है? Ooh!
ये क्या है? उतरो, उतरो नीचे, मैं कहता हूँ उतरो। अरे ये सर कहाँ भागे जा रहे हैं कुर्सी के साथ? सर, अरे तुम सब लोग इस तरह मेरे ऑफिस में क्यों चले आए, और वो भी बिना मेरी परमिशन के? ये ऑफिस है या कॉरिडोर? सर ये कॉरिडोर ही है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच करनी होगी। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। अरे तुम लोग तो गुलिबर ट्रैवल वाली किताब के लिए लिपुट सो ना। ये तो छोटे छोटे लिलीपुट्स हैं। अरे वाह, ये कितना सुंदर है। अगर ये बड़ा होता तो मैं इसकी सवारी जरूर करता। चलो मुझे आसमान की सैर कराओ। अब क्या हुआ? वो गुलिबर ट्रैवल वाली बुक के लिलीपुट जिंदा कैसे हो गए? तुम्हीं ने जादू किया होगा। हाँ बात तो सही है। तो अब बंटी उड़ गया है, उसे वापस लाओ और इन सबको जहाँ का तहाँ करो। ओके बॉस। अगड़म बगड़म आलम फालम इकरम इकरम दम दमादम। अरे मेरा तो जादू इन पे काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरे ही जादू से बने हुए हैं। तुम्हें ही कुछ करना होगा। लो मैं तुम्हें भी यूनिकॉर्न देता हूँ, तुम उसे जाके चेस करो। आओ, यकीन नहीं हो रहा मैं उड़ सकता हूँ। रुक जाओ बंटी, वापस चलो। मैं इसे वापस नहीं करूँगा। ऐसे तो उसे पकड़ना मुश्किल है। तुम कस के मुझे पकड़े रहो, कोई तरकीब लड़ानी होगी। ए बंटी, तुम ये कर सकते हो क्या? तुम मेरी तरह नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो। मुझे उड़ने में मजा आ रहा है। अरे ये क्या किया, पंख वापस दो। अरे अरे रुको रुको, खोजते रहो खोजते रहो। बॉस बॉस, ये जो जिनका चिराग हाथ लगा है, अगर इसमें से जिन निकल आए तो हमें किसी यूटेनियम की जरूरत नहीं। चिराग दो, मैं इसे रगड़ के जिन निकालूंगा। बॉस इस पे मिट्टी लगी है, मैं साफ कर देता हूँ वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे।
टिकी टाका टिकी टाका टिकी टाका, तुम हो मेरे आका, तुम हो मेरे आका। तुम भक्तो जिनको कहो मुझ जैसे 10 रोबोट मैड मैक्स बना दो, जिनमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली रोबोट्स की पावर्स हो, और वैसी ही पावर्स मुझ में भी हो जाए, ताकि मैं अपने हाथों से वीर को खत्म कर सकूं। मेरे जिन, इनकी इच्छा पूरी करो। जो हुकुम मेरे आका। चिकी चिकी चाका, चिकी चिकी चाका, तुम्हारी इच्छा पूरी हो मेरे आका। बॉस बॉस, असली कौन और रोबोट कौन मैं पहचान नहीं पा रहा। ये रेड कैप पहने हुए मैं हूँ। ये वीर कहाँ गया? रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। जिन, सारे मैड मैक्स को ठीक कर दो। अब मेरी बारी है वीर, मेरी बारी। जाओ वीर की मदद करो। ओ तेरी की, ये भी जिन है, इसे रोकना होगा। ठीक है चिट्टू, तुम वीर की मदद करने गए तो मेरा जिन यहाँ तुम्हारे बाकी दोस्तों को खत्म कर देगा। वीर, अब मैं देखता हूँ तुम इन लोगों को कैसे बचाते हो। इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। वीर, टिम्बक्टू की जिन को मैं देख लूंगी, तुम मैड मैक्स को संभालो। ओके इमली। टिम्बक्टू, हमें मत डराओ, मेरा जिंटू तुम्हारे जिन से ज्यादा शक्तिशाली है। देखो ये कितना बड़ा हो सकता है। मेरा जिंटू एकदम छोटा होके एक बॉटल में भी जा सकता है। मैं भी जा सकता हूँ। देखा, मेरा जिन भी चला गया। हाँ, वो तो चला गया। जिंटू, इसे आप इसके जिन लोग में भेज दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म दिकड़म दम दम आदम। बॉस बॉस, अब लड़ना बंद करो और भागने की तैयारी करो। बात कर सकता हूँ और दो ही आपको दे सकता हूँ बॉस।
आज की ब्रेकिंग न्यूज। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुरसतगंज को है, क्योंकि फुरसतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुरसतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, पर ऐसा सब कैसे हो सकता है? बच्चों, ये है अर्थ की असली जान। ये घूमता है तो पूरी अर्थ घूमती है। पर प्रॉब्लम ये है, इसने घूमना बंद कर दिया है। इसकी वजह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट फुरसतगंज में पड़ रही है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुरसतगंज और फिर पूरी धरती जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, हमें कुछ तो करना होगा। वीर, तुम्हें इस मोनोकार को लेकर अर्थ के कोर पार्ट में जाना होगा। पर दादाजी, इससे अर्थ कैसे घूमेगी? जब तुम अंदर जाओगे तो इस ट्रेन को तुम्हें 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड पर चलाना होगा, जिससे इसमें से निकलने वाली लेजर रेज कोर को पुश करके घूमने के लिए एक्टिवेट कर देंगी। वीर, मैंने मोनोकार के ऑपरेशन की जानकारी तुम्हारे ब्रेन चिप में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। कितनी बड़ी शाख है ये। चुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी भी, हम चुपचाप छुप के आए हैं। दादाजी से पूछते तो वो कभी आने नहीं देते, इसलिए हम चुपचाप तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। वो देखो, सी बैट नजदीक आ रहा है। मैं सभी खोदने के लेजर्स ऑन करता हूँ। लगता है पत्थरों के टकराने से मोनोकार के सामने के वायर्स डैमेज हो गए हैं। बाहर जाके उसे चेक करके जल्दी से रिपेयर करो। इमली, तुम इंजन पे रहो, मैं बताता रहूंगा क्या करना है। ओके वीर। ये तो एसिड है, इससे तो आयरन भी मेल्ट हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मेरे पार्ट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। ग्रीन बटन प्रेस करना। वीर, जल्दी आ जाओ, इंजन स्टार्ट हो गई है। ओ बिल्ली, तुमने ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट किया? क्या इस बटन से? बहुत सावधानी दिखानी है, क्योंकि तुम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर ज्यादा समय लिया तो पूरी ट्रेन पिघल जाएगी। दादाजी, हम लोग अर्थ सेंटर को तक आ गए हैं। ओके वीर, अब 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। ओके दादाजी। दादाजी, मुझे शायद स्पीड और इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं वीर, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो मोनोकार के कोशिश के टूट के बिखरने का खतरा है। दादाजी, और कोई ऑप्शन नहीं है, और टाइम भी कम है।
Yes, Veer, you have done it. अब जल्दी से बाहर आ जाओ. वीर, इमली, क्या हुआ? वीर, कुछ तो बोलो वीर. दुनिया तो बच गई, पर मेरी दुनिया तो उजड़ गई. वीर, इमली, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बिना अकेले रह जाएंगे. मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा दादाजी. You're out of danger, दादाजी. Yes, yes, वीर, इमली, चुलबुल, yes.